बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन के गांव का दौरा किए। सीएम नीतीश ने आनंद मोहन के पैतृक गांव पचगचिया में जाकर वहां राम बहादुर सिंह और पद्मानंद सिंह की भी प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के पिता हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से लेकर सभा स्थल और पूर्व सांसद आनंद मोहन के आवास स्थल को सजाया गया। पूर्व सांसद आनंद मोहन के दादा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और 1942 के क्रांतिकारी ब्रह्मचारी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बता दें कि ब्रह्मचारी जी आनंद मोहन के चाचा हैं। प्रतिमा अनावरण के दौरान सीएम नीतीश के साथ जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और बेटे तथा राजद विधायक चेतन आनंद भी इस दौरान मौजूद रहे। ठाकुर विवाद के बाद मुख्यमंत्री के आनंद मोहन के यहां आने से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। पिछले दिनों लालू यादव के करीबी आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने इस पर आपत्ति जताते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। इसके बाद उनकी जेडीयू के एक नेता से भिड़ंत भी हो गई। दूसरी ओर आनंद मोहन के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही है। पिछले दिनों उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि आरजेडी के वरिष्ठ सांसद मनोज झा को अपशब्द कहने वाले आनंद मोहन के घर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वे किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इसके बाद जेडीयू महासचिव निखिल कुमार ने सुनील सिंह को अगल लौना कह दिया था। बता दें आनंद मोहन शिवहर से सांसद भी रहे हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद भी वैशाली से सांसद रही हैं, जबकि उनके बेटे चेतन आनंद फिलहाल शिवहर से आरजेडी के विधायक हैं। बिहार में शिवहर, सहरसा, वैशाली, औरंगाबाद और इनके आसपास के इलाकों में राजपूत वोटरों का बड़ा असर माना जाता है। आनंद मोहन जेल में रहकर चुनाव जीत गए थे, इससे राजपूत बिरादरी में उनका असर माना जाता है। राजपूतों का कुछ वोट आरजेडी के साथ है ही, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे। वहीं जगदानंद सिंह के बेटे से आरजेडी की ठीक से बनती नहीं है। ऐसे में महागठबंधन को एक राजपूत चेहरा चाहिए और आनंद मोहन प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। हालांकि उनके जदयू में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।